नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सर्वसाहूणं वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पाहुड़ मृणमो सुदकेवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह है परम उपकारी अनुपम रचना, और एक एक बात आचार्य देव के अंदर की गहराई से निकली हुई है। हर शब्द में कुछ न कुछ गहराई है, न केवल समय सार में गहराई है अपितु आत्मख्याति में कुछ विशेष गहराई है। माने बातें ही कुछ अलग हटके करते हैं, कुछ अंदर गहराई में जाकर के करते हैं। हम क्रमशः चलते हुए जैसे नाचार्य देव के अनुसार यदि बात करें तो संक्षेप रुचि वालों के लिए समय सार संपन्न होने जा रहा है। समय सार की संपन्नता यहाँ हो रही है संक्षिप्त रुचि वाले जीवों की दृष्टि से। शुरू से लेकर के यदि यहाँ तक रिवीजन की यदि हम बात करें, करेंगे बाद में करेंगे, एक बार पूरा कर लेते हैं इस 12वीं गाथा के प्रकरण को। आज तो नहीं होगा, लेकिन टीका बड़ी गजब की है। पहले गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर की गाथा निकालिए आप, पेज नंबर है 32, समय सार ग्रंथ ज्ञायक भाव प्रबोधनी वाली टीका, और 32 नंबर का पेज। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दरिशीहिम व्यवहार देसिदा पुण जे दुआ पर मेठिदा भावे परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नए ज्ञातव्य हैं जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। क्या कह रहे हैं? परम भाव को जो प्राप्त हैं वे शुद्ध नए ज्ञातव्य हैं, जानने योग्य हैं। और बड़ा गजब का शब्द है इस टीका का, जाना हुआ प्रयोजनवान। ये बड़ा गजब का शब्द है, माने इस शब्द में कुछ गहराई छिपी हुई है। जाना हुआ प्रयोजनवान है। इसी तरह से जो अपरम भाव में रहते हों उनको व्यवहार से उपदिष्ट हैं। यहाँ भले ही व्यवहार नहीं के उपदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार से उपदिष्ट कह करके भी जाना हुआ प्रयोजनवान ही कहना चाहते हैं। ये व्यवहार नए जाना हुआ प्रयोजनवान है, ये निश्चय नए भी जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। अरे नए का क्या प्रयोजन है? जो जीव परम भाव को प्राप्त हो गए हों, कल हमने काफी चर्चा परम भाव के संदर्भ में की थी आप लोगों के बीच में, जो परम भाव को प्राप्त हो गए हों, परम भाव माने पूर्णता को प्राप्त हो गए हों, परम भाव माने शुद्धोपयोग को प्राप्त हो गए हों, परम भाव माने श्रद्धा की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि हो गए हों। परम भाव शब्द किसका नाम है? परम भाव। अरे परम पारिणामिक भाव का
अवलंबन लेने से जो पर्याय प्रकट होती है उसे परम भाव कहते हैं। ये आज की नई व्याख्या, परम भाव, दो शब्द है ना, परम भाव, और बीच में एक शब्द है वो है पारिणामिक। क्या बोलते हैं आईएल जैन साहब? परम पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव। अब पारिणामिक शब्द को गौण करके यदि आगे पीछे के शब्दों को मुख्य करके देखा जाए तो परम पारिणामिक भाव को हम शॉर्ट में कहेंगे परम भाव। क्या परम भाव, क्या अर्थ हो गया परम भाव का? परम भाव माने परम पारिणामिक भाव। तो एक परम भाव को प्राप्त, तो प्राप्त का क्या अर्थ है? परम पारिणामिक भाव तो त्रिकाल है, परम भाव तो त्रिकाल है, तो प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है? तो परम पारिणामिक भाव में जो अपन ने इसका अर्थ परम भाव निकाला, उसे प्राप्त करने का अर्थ है ज्ञान का गेय बन जाना, वो दृष्टि का विषय बन जाना। जब परम भाव ज्ञान का गेय बन गया, क्या परम पारिणामिक भाव ही परम भाव है बिल्कुल, लेकिन उसे प्राप्त करने की जो यहाँ शब्दावली का प्रयोग किया है, ये प्राप्त करने का अर्थ ऐसा समझना कि परम भाव का अवलंबन हो गया। जिसे जिनागम में अन्यत्र परम पारिणामिक भाव कहकर के पुकारा गया है, उसी को हमारे यहाँ इस गाथा में, बारहवीं गाथा में परम भाव कहकर के पुकारा गया है। पर्याय में उसकी उपलब्धि, पर्याय में उसका अवलंबन, पर्याय में उसकी दृष्टि, वो श्रद्धा का विषय बन जाना, वो ज्ञान का विषय बन जाना, वो समा जाना, बस इसका नाम ही है परम भाव की प्राप्ति हो जाना। परम भाव तो त्रिकाल है, लेकिन त्रिकाल होते हुए भी प्राप्त नहीं है, समस्या ये है। देखिए मैं बहुत पहले एक उदाहरण देता था कि कोई व्यक्ति बाजार से एक डायमंड की अंगूठी बना करके लेकर के आया, क्या अब बाजार से जो डायमंड की अंगूठी बना करके लाया और बहुत महंगी थी, समझ लो आप ऐसा 20-25 लाख की होगी, अच्छे बड़ा डायमंड और ए ग्रेड वाला, ए बी ग्रेड वाला ऐसा डायमंड उसमें लगा हुआ और बहुत अच्छी स्टाइलिश डिजाइनिश। तो वो उसे ले जा करके जैसे ही आई उसने देखा और देख करके और उसे लगा कि अरे ये तो चलो काम हो गया अपना, इसे अपन वहाँ पहुँचाते हैं, अपनी तिजोरी में ले जा करके रख देते हैं। तो लेकर के उसे हाथ में लेकर के जा रहा था तिजोरी में रखने के लिए, और जाते जाते ही अचानक बाहर कुछ खटपट हुई, और बाहर खटपट होने पर उसने फटाफट ताबड़तोड़ जल्दीबाजी में उस अंगूठी को अपने उंगली में पहन लिया और फटाफट तिजोरी के ताला लगाया और दौड़ता हुआ बाहर आ गया। क्या अब देखा बाहर जो भी स्थिति थी वो सब निपट गई, जो आए थे उनसे मिले, भेज दिया, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद में सोचा अब मैं चल करके देख लेता हूँ कि तिजोरी में अंगूठी बराबर रखी है या नहीं रखी है। जब जाकर के तिजोरी में अंगूठी देखी तो तिजोरी में अंगूठी मिली नहीं, मिली नहीं। ये क्या हुआ? यहीं तो रखी थी, यहीं तो रखी थी, कौन ले गया? तिजोरी का लॉक भी बराबर लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, नीचे देखी कहीं गिर तो नहीं गई, पूरी तिजोरी का सारा सामान निकाल करके खूब छानबीन करके देख ली, नहीं मिली इधर उधर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बतलाएं भाई साहब, हर्षवर्धन जी साहब जरा बताएं, अब वो उस अंगूठी को किचन में देख रहा है, बेडरूम में देख रहा है, ड्राइंग रूम में देख रहा है, इधर उधर चारों तरफ पूरा घर छान मारा, उसको अंगूठी मिलना आसान है या कठिन है? बोलो, आसान है या कठिन है? क्या कहीं नहीं भूला? क्या अंगूठी तो उंगली में पहनी हुई है? क्या आसान है या कठिन है? क्या
बहुत पहले एक भजन गाया करते थे हमारे रमेश जी भाई साहब लवाण वाले, कस्तूरी तो नाभि में है वन वन काहे डोले रे, कस्तूरी तो नाभि में है। क्या कस्तूरी? वो तो नाभि में है, कहाँ वन वन में डोल रहा है, कितना कठिन हो गया है भाई साहब। ने तो कठिन कहते बनता है, न आसान कहते बनता है। सही बात तो ये है, यदि उपलब्ध हो जाए तो आसान है, और यदि उपलब्ध नहीं हो जाए तो कठिन है। बस कई बार ऐसा होता है ना, पेन यहाँ लगा लेते हैं, चश्मे को ऊपर लगा लेते हैं, अरे चश्मा पहने हुए चश्मे को देखने लगते हैं, कहाँ है, अरे यार तो लगा हुआ ही है क्या, पता ही नहीं है ये क्या हुआ, चश्मा तो लगा हुआ ही है, आँखों पे ही लगा हुआ है। ऐसा होता है कई बार, क्या पेन के साथ में हो जाता है, चश्मे के साथ में हो जाता है। भाई साहब स्पष्ट शब्दों में यहाँ कहना चाह रहे हैं, ये परम भाव तो सदाकाल उपलब्ध ही है। तो फिर उपलब्ध होने का मतलब क्या है? परम भाव तो सदाकाल प्राप्त ही है, फिर प्राप्त होने का मतलब क्या है? अरे भाई प्राप्त होने का मतलब ये है उपयोग का विषय बन जाना, प्राप्त होने का मतलब ये है दृष्टि का विषय बन जाना, प्राप्त होने का मतलब ये है ज्ञान का गेय बन जाना, श्रद्धा का श्रद्धेय बन जाना, इसका नाम है प्राप्त होना। अशोक जी पटनी जी साहब सिंगापुर से बोलो, ये तो सदाकाल है। और साहब मिल जाए मुझे आत्मा, मिल जाए मुझे आत्मा, मिल जाए, ये कैसी बात कर रहा है आत्मा मिल जाए? आत्मा तो तू स्वयं है क्या? आत्मा तो तू स्वयं है, आत्मा के मिलने का क्या सवाल है? मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही। अरे मिलना भी क्या होता है? रखी हुई चीज, प्राप्त चीज को प्राप्त करना क्या होता है? उपयोग का विषय बन जाना, इसे ही प्राप्त को प्राप्त करना कहते हैं। सिर्फ उपयोग का विषय बन जाना और कुछ भी नहीं है। यहाँ लिखा है परम भाव को जो प्राप्त है वो शुद्ध नए, और वो कैसा है? अच्छा जब परम भाव को प्राप्त कर लिया, अब शुद्ध नए की क्या जरूरत है? बड़ा गजब का प्रकरण है ये इस बारहवीं गाथा का। क्या ये क्या लिख रहे हैं? परम भाव को प्राप्त है, अब शुद्ध नए की क्या जरूरत है ये तो बतलाइए। अरे अब शुद्ध नए का कोई प्रयोजन नहीं है, तो फिर लिख रहे हैं ना ज्ञातव्य है कि हाँ असली परम भाव को प्राप्त तो केवल ज्ञानी परमात्मा होते हैं, और बस शुद्ध नए का विषय ज्ञायक भगवान आत्मा पकड़ में आ गया, उनके केवल ज्ञान में, उनके पूर्ण ज्ञान में बस ये शुद्ध नए और शुद्ध नए का विषय ये ज्ञान में झलक रहा है, इसका नाम है कि ज्ञातव्य है, इसका नाम है जाना हुआ प्रयोजनवान है, और कुछ नहीं है। जैसे जाना हुआ प्रयोजनवान कह करके पुकारा गया है। हाँ शुद्ध नहीं की बात कर रहे हैं, उन्हें व्यवहार नहीं की बात कर रहे हैं, जो अपरम भाव में स्थित हैं उन्हें व्यवहार नहीं का उपदेश है, उनके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। यहाँ भी प्रयोजनवान का अर्थ बड़ा गजब का किया है, जाना हुआ प्रयोजनवान है। सर गजब के शब्द हैं, चलिए यहाँ पढ़ते हैं आप। उस काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, टीका पढ़ता हूँ, देखिए मज़ा आएगा आपको इस टीका की पंक्तियाँ पढ़ करके सुन करके, कुछ गहरी बातें छिपी हुई है, कुछ मर्म यहाँ इस टीका में छिपा हुआ है। देखिए 32 नंबर पेज पर गाथा पढ़ ली अपन ने, गाथा का पद्यानुवाद पढ़ लिया है, अनुवाद भी पढ़ करके आगे बढ़ जाता हूँ, बोलूँगा नहीं समझाऊँगा नहीं, पिछले दो दिनों में समझा चुका हूँ। जो शुद्ध नए तक पहुँच कर, जो शुद्ध नए तक पहुँच कर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, इसका मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पूर्णता हो गई, इसका मतलब परमात्मा बन गए, उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला, उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नए जानने योग्य है। क्या उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला जो शुद्ध नए है वो जानने, अभी जानने योग्य है। क्या मतलब जानने योग्य का मतलब जानना नहीं है, जानने में आता है ऐसा कहना चाहते हैं। और जो जीव अपरम भाव में स्थित हैं, अपरम भाव में माने परम भाव से नीचे, अपरम भाव में माने नीचे की भूमिका में जो जीव स्थित हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुँच सके हैं, ये अपरम भाव का स्पष्टीकरण है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं। अभी इसके कई तरह के अर्थ किए जा सकते हैं इस अपरम भाव के। ज्ञायक साधक अवस्था में ही स्थित हैं,
वे व्यवहार नय द्वारा उपदेश करने योग्य हैं, उनको व्यवहार नय का उपदेश दिया गया है, कहा गया है। परम भाव और अपरम भाव इन दोनों ही शब्दों के ऊपर कल का अपना पूरा प्रवचन, पूरी चर्चा कल परम भाव और अपरम भाव के लिए ही थी, और हमने बहुत सारे एंगल से परम भाव और अपरम भाव को आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था। दादा ने इसके लिए तीन भागों में बांटा है, तीन तरह से उस परम भाव और अपरम भाव को कहा है। हमने बहुत सारे प्रकार बतला दिए थे, यद्यपि जो मैं अभी बताने वाला हूँ वे भी बता चुके हैं, कल हम बता चुके हैं, फिर भी लेकिन तीन बिंदुओं में उसे बांट दिया। पहला बिंदु, श्रद्धा की अपेक्षा से परम भाव, सम्यक दृष्टि के, श्रद्धा की अपेक्षा से, श्रद्धा बदल गई और बोले काम हो गया, टिकट मिल गया बोले काम हो गया, अरे टिकट मिल गया, टिकट मिल नहीं रहा था, टिकट मिल नहीं रहा था अनादिकाल से, और उलझे हुए थे, दुखी थे, और अब क्या, और अब तो काम हो गया, बस अब तो क्या है, टिकट मिल गया और क्या है। जैसे बाहर जाने वाले, परदेश जाने वाले लोग कई बार ट्राई कर रहे हों, जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी साहब जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अमेरिका वालों ने वीज़ा नहीं दिया था उनको, एक दो बार ट्राई करने पर भी उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, वीज़ा नहीं दिया उनको, तो अरे वीज़ा ही नहीं मिल रहा है, वीज़ा ही नहीं मिल रहा है, और जब मिल गया, जिन्हें मिल जाता है, अनेक बार प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल रहा हो, और आज मिल गया तो अरे अब तो हो गया, बस अब तो क्या है, अब तो कुछ नहीं है, अब तो हो गया। ये सम्यक दर्शन टिकट है सम्मोक्ष जाने का, जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई इसका मतलब वे परम भाव को प्राप्त हो गए, और जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई और सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्नभूत हैं, जिनके लिए देशना कही गई है, उपदेश कहा गया है, जिनके लिए देशना लब्धि की बात जिनके लिए कही गई है, ये सब अपरम भाव में स्थित जीवों के लिए व्यवहार नहीं की उपयोगिता वाली बात हो गई। तो एक परम भाव हो गया श्रद्धा की अपेक्षा से, दूसरा परम भाव कहा गया है शुभोपयोग शुद्धोपयोग की अपेक्षा से, परम अपरम भाव, शुद्धोपयोग परम भाव है, शुभोपयोग अपरम भाव है, दो हो गए। क्या क्या कहा, पहली बात हो गई श्रद्धा की सम्यक्ता, श्रद्धान बदल गया ये परम भाव, और श्रद्धान बदल गया ये तो परम भाव, और मिथ्या दृष्टि है अभी, सम्यक्त्व सन्मुख है ऐसा लगाइए, सम्यक्त्व सन्मुख जीव वो अपरम भाव में, और श्रद्धा की पूर्णता की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव परम भाव में, हो गई बात ये। श्रद्धान मिथ्या है अभी, लेकिन सम्यक्त्व सन्मुख जीव है, क्षयोपशम विशुद्धि देशना लब्धि प्रायोग्य की तरफ बढ़ रहा है, देशना लब्धि प्रायोग्य लब्धि वाला जीव फिर करण लब्धि की तरफ आगे बढ़ेगा। तो अभी ये जो जीव है श्रद्धा की निर्मलता की तरफ, यह श्रद्धा स्वभावोन्मुख हो रही है, ऐसा सम्यक्त्व सन्मुख जीव ये अपरम भाव में है, और जो सम्यक दृष्टि हो गया वो परम भाव को प्राप्त हो गया। एक हो गई बात, अब दूसरी बात, जब तक शुभोपयोग में है तब तक अपरम भाव है, और शुद्धोपयोग की प्राप्ति होते ही परम भाव में आ गया। ये दूसरे प्रकार का, माने पहले प्रकार को कह सकते हैं श्रद्धा की अपेक्षा से परम अपरम भाव, दूसरे को कह सकते हैं शुभ भाव और शुद्ध भाव, या शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की अपेक्षा से अपरम परम भाव, ये दूसरा प्रकार हो गया अशुभोपयोग और शुभोपयोग। अब तीसरे प्रकार का, पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पूर्णता की अपेक्षा से परम भाव और अपरम भाव। बोले कैसे होगा, बोले छद्मस्थ तक, जब तक छद्मस्थ है, ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान तक जब तक छद्मस्थ है तब तक अपरम भाव,
और केवल ज्ञानी हो जाने पर, अरहंत दशा हो जाने पर परम भाव को प्राप्त। तो इस तरह से अपरम भाव और परम भाव के तीन स्पेसिफाई अपन उसको पॉइंट दे दे करके अपन इन तीन पॉइंट में भी इस बात को देख सकते हैं। और फिर तो बहुत तरह के प्रकार बतला दिए थे, है ना। चलिए अब यहाँ चलते हैं अपन, साधक अवस्था में जो स्थित है उसको इन्होंने कह दिया उनके लिए व्यवहार नए उपदिष्ट है। टीका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टीका में एक उदाहरण देकर के चर्चा कर रहे हैं, सुंदर उदाहरण देकर के इस बात को यहाँ टीका में उठाया है। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखिए, जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान हो, अंतिम पाक से उतरे हुए, आप जानते हैं ना, सोना जो है, गोल्ड है, उसे शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है। क्या अग्नि में तपाते हैं उस गोल्ड को, और अंतिम पाक किसे कहते हैं, अंतिम अवस्था, उसे अग्नि में तपाए जाने पर पहली बार अग्नि में ताव दिया, फिर दूसरी बार अग्नि में ताव दिया, ताव मतलब उसे गर्म करना, उसे अग्नि में तपाना, फिर तीसरी बार, चौथी बार, इस तरह से 16 बार अग्नि में तपाने पर वो गोल्ड शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। 16 ताव का सोना, ये प्रसिद्ध है, शब्द ही प्रसिद्ध है इस तरह के, 16 ताव का सोना, 16 ताव का सोना, ये शुद्ध सोना है। ये माने उसके 24K जो हुआ है वो 24K होने के पहले, अभी आजकल उसकी शुद्धता की क्या प्रोसेस है मुझे खबर नहीं है, लेकिन पुराने समय से हमारे प्राचीन साहित्यकारों ने, आगमकारों ने, ग्रंथ लिखने वालों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने उसे 16 ताव के लिए कह करके पुकारा है। और उसमें भी उसको देख करके कोई व्यक्ति पहचान सकता है कि ये कितने ताव वाला है, ऐसा है, माने उसे देख करके ये पहचान लेगी। हर ताव पर उसकी एक अलग तरह का कलर होता है, क्या हर ताव पर, माने 16 आना शुद्ध कहते हैं ना, ये जो 16 आना शुद्ध कहते हैं ये अलग है, क्या 16 आने शुद्ध का मतलब तो 100% शुद्ध। ये जो आना शब्द जो है ना, ये अपने यहां पहले हिंदुस्तान में 16 आना ये कहते थे, 16 आने का मतलब 1 रुपया हुआ करता था 16 आने का। जैसे 4 आने कहते थे 25 पैसे को, 4 आने के साहब, 8 आने 8 अन्नी है, ये 8 अन्नी माने 50 पैसे, 8 अन्नी 8 आने कहते थे। और 16 आना मतलब पूरा रुपया, 16 आने शब्द का प्रयोग होता था परिपूर्णता के अर्थ में, क्या। और 1 अन्नी में 4 पैसे हुआ करते थे, तो 64 होते थे, 1 रुपए में 64 पैसे होते थे, क्या 64 पैसे का 1 रुपया हुआ करता था। फिर बाद में जब समय बदला, परिवर्तन हुआ, तो फिर उसे वो 100 के अंतर्गत कन्वर्ट किया गया। तो 4 आने मतलब 25 पैसे, 8 आने मतलब 50 पैसे, 16 आने मतलब 1 रुपया, माने 16 आने परिपूर्णता का सूचक है। तो किसी बात के बारे में जब ये कहा जाता है कि ये बात तो 16 आने सच्ची है, तो 16 आने सच्ची है मतलब परिपूर्ण है, 16 आने का मतलब 100% है, इसके लिए 16 आने शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। किसी चीज़ को 100% बतलाने के लिए 16 आने कह दिया है। यहाँ 16 आने की चर्चा नहीं है, क्या यहाँ 16 आने नहीं कह रहे हैं, यहाँ 16 ताव की चर्चा चल रही है। और वो भी ऐसा भी कह सकते हो, जिस तरह से 16 आने मतलब परिपूर्ण रुपया होता था, उसी तरह से 16 ताव का गोल्ड माने परिपूर्ण शुद्ध गोल्ड, ऐसा अर्थ हो गया। तो 16 ताव के गोल्ड में, जैसे मान लीजिए 5 एक गोल्ड है, खान से निकला हुआ है, किट्टी कालीमा से युक्त है, माइंस से निकला है, तो उसमें जो कालीमा और अशुद्धता होगी, उसे पहली बार गोल्ड में ताव दिया,
तो उसका कुछ कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल पकड़ में आता है। और फिर दूसरी बार में अलग तरह से, तो जो 16 बार जब उसके ताव लगता है तो वह ऐसा परिपूर्ण हो जाता है कि फिर उसमें अशुद्धता का नामो निशान नहीं होता है। ये कह रहे हैं अंतिम पाक से उतार लिया, माने अंतिम बार उसे अग्नि में ले जा करके उतार लिया, उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान, प्योर गोल्ड के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं। अब उत्कृष्ट भाव का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अब ये परिपूर्णता को प्राप्त हो गए, ग्रेजुएट हो गए, ऐसा समझ लीजिए। यदि हम इसको दो स्टेप और शामिल कर लेवे सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि से, क्या मिथ्या दृष्टि फिर सीधा एक एक गुणस्थान चढ़ते हुए उनके बीच में अपन सम्यक्त्व सन्मुखपन को भी जोड़ लेवे तो 14 गुणस्थानों में एक सम्यक्त्व सन्मुखपने को जोड़ दो तो 15 हो गई, और सिद्ध दशा हो गई 16 नंबर की दशा। तो ये अंतिम ताव से निकले हुए शुद्ध सिद्ध भगवान ये 16 ताव के सोने बराबर हो गए। किस तरह से हम वहां पहुंचे, 16 घटित करना है ना, वैसे तो 14 गुणस्थान है, लेकिन 14 गुणस्थानों में, अब 14 गुणस्थानों से पार सिद्ध दशा 15वीं दशा है, क्योंकि 14 तो गुणस्थान हो गए, सिद्ध दशा 15 नंबर पर है। लेकिन इन गुणस्थानों की परिपाटी में ऊपर जाने वाला व्यक्ति वो कहां से चलेगा, तो बोले नीचे एक स्टेप और जोड़ दो, या फिर सम्यक्त्व सन्मुख को नहीं जोड़ो तो ऐसा कीजिए क्या, घोर मिथ्या दृष्टि और भद्र मिथ्या दृष्टि, बस यहां ऐसा कर लो। एक घोर मिथ्या दृष्टि था, घोर मिथ्या दृष्टि से वो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि हुआ, उसका नाम है भद्र मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्यात्व गुणस्थान दो रूपों दो हो गए, फिर दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, ऐसे बढ़ते बढ़ते 14 गुणस्थान, और एक मिथ्या दृष्टि का बढ़ गया तो 15 हो गए, और 16वीं अवस्था हो गई सिद्ध अवस्था। तो जो सिद्ध अवस्थाएं हैं ये 16 ताव के लगे हुए गोल्ड के समान बिल्कुल प्योर हो गई है, वो इतनी शुद्ध, इतनी निर्मल और इतनी परिष्कृत हो गई है कि अब उसमें रंच मात्र भी अशुद्धता का नामो निशान नहीं है, और अशुद्धता उसमें प्रवेश भी नहीं करेगी। कहते हैं उन्हें जिसने उस उत्कृष्ट भाव का अनुभव किया है, या जो उस उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से, अभी पहला पाक द्वितीय पाक इसकी परंपरा से पच्यमान, क्या गुजरता हुआ, पहले दूसरे तीसरी पाक की परंपरा से गुजरता हुआ, पकता हुआ, पच्यमान माने पकता हुआ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अशुद्ध स्वर्ण के समान, अभी ये पकने में आ रहा है, ये अंडर प्रोसेस चल रहा है, इस अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट, उत्कृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट तो परम भाव है, यहां तो अपरम भाव की चर्चा कर रहे हैं, उत्कृष्ट नहीं है, ऐसे मध्यम भावों का अनुभव नहीं होता। ये मध्यम भावों का अनुभव कैसे होगा जिसने पूर्णता की प्राप्ति कर ली है, क्या पूर्णता की प्राप्ति जिस जीव को हो गई है उसे मध्यम भाव की अनुभूति नहीं होती, क्या मध्यम भाव में नहीं, कैसे अनुभूति होगी मध्यम भाव की। अरे हम आपसे ये कहते हैं कोई व्यक्ति किसी लेवल पर चलते चलते, जैसे समझिए आप राजनीति की बात कीजिए, तो राजनीति में कोई व्यक्ति पहले नगर निगम का चुनाव लड़ा और पार्षद बन गया, उसके बाद में क्या हुआ कि पार्षद बनने के बाद में फिर उसने चुनाव लड़ा और MLA हो गया, फिर उसने चुनाव लड़ा MP का, क्या तो MP हो गया वो, क्या अच्छा और आगे सांसद बन गया, अब और आगे बढ़ा तो मिनिस्टर बन गया, और आगे बढ़ा तो मुख्यमंत्री बन गया, और आगे बढ़ा तो प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री पद की प्राप्ति हो गई तो अब कहते हैं भैया पूर्ण हो गया, अब हमारे यहां और क्या पद है इसके ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, राष्ट्रपति का अलग तरह की चीज हो गई,
तो ये प्रधानमंत्री तो चुनाव लड़ लड़ करके वहाँ तक पहुँच गया। अब हमें ये कहना है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, अब वो किस चीज का अनुभव करता है? क्या बोलो? पूर्व अवस्था से गुजरे बिना डायरेक्ट ऊंची अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे होगी? कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े हुए डायरेक्ट प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? तो स्टेप बाय स्टेप गुजरना ही पड़ेगा। ऐसी सिद्ध दशा के ऊपर लगा लीजिए बात, स्टेप बाय स्टेप गुणस्थानों की परिपाटी में तो उसे ऊपर बढ़ना ही पड़ेगा, तभी वो परिपूर्णता की प्राप्ति होगी। इसी तरह से गोल्ड जो 16 ताव का कहा गया है, कोई व्यक्ति इस तरह की बात करे कि अरे यार 16 ताव के सोने की बात कर रहे हो पंडित जी, एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट ही 16वां ताव लगा देते हैं, काहे को 15 की प्रोसेस में ले जाओ। तो भैया फिर वो 16वां नहीं होगा, फिर वो पहला ताव कहलाएगा। जैसे इस तरह की बात आपने सुनी होगी, क्या शादी कब पूरी होती है? बोले 7 फेरे हो जाने पर। बोले पहला फेरा हो गया, शादी हुई कि नहीं हुई? बोले अभी तक नहीं हुई। बोले दूसरा हो गया, शादी हुई कि नहीं हुई? कि अभी भी नहीं हुई। कि तीसरा हुआ, अभी भी नहीं हुई। 6 फेरों तक शादी हुई नहीं है, जब तक 7वां फेरा नहीं होगा तब तक शादी हुई नहीं है। कि अच्छा, तो फिर ये 6 फेरे जबरदस्ती लगाए आपने, क्या जरूरत थी? डायरेक्ट 7वां क्यों नहीं किया पंडित जी आपने? जल्दी हो रही थी हमारे को, आपको डायरेक्ट 7वां फेरा करा देना चाहिए था ना, 6 कराने की क्या जरूरत थी? कि भाई साहब आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जब हम डायरेक्ट 7वां मंत्र बोलते, 7वां पढ़ाते, तब भी वो 7वां नहीं होता, वो पहला ही होता। क्या क्या करें, इसलिए गुजरना ही पड़ेगा उस स्थिति से। मुझे ये कहना है अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद वो अनुत्कृष्ट और मध्यम भाव का अनुभव नहीं करता। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी साहब आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज के समय में जब वे उस लेवल के परम भाव को प्राप्त हो गए हैं, क्या वे अपने आप को में मुख्यमंत्रित्व पद का अनुभव कर रहे होंगे आज की तारीख में? होता है ऐसा? बोलो क्या ऐसा होता है? आज वे अनुभव तो करते होंगे ना कुछ भी, अरे यार मैं भी मुख्यमंत्री हूं। कभी कभी कि साहब अपने आप को मुख्यमंत्री अनुभव करें? कि नहीं, जो परम भाव को प्राप्त हो गए हैं उन्हें अपरम भाव का अनुभव नहीं होता, उन्हें अपरम भाव की अनुभूति नहीं होती। ये लिखिए ये पंक्ति यहां पर, ये कह रहे हैं प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से, प्रोसेस में चल रहा है, पहला दिन दूसरा तीसरा है ना, इस प्रोसेस के अंदर चल रहा है। इस प्रोसेस में चलते हुए की परंपरा से पच्यमान, इस प्रोसेस से गुजरते हुए अशुद्ध स्वर्ण के समान, अशुद्ध स्वर्ण अभी अशुद्ध है, वो पूर्ण शुद्धता को प्राप्त नहीं हुआ है, अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें तो शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक, शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं अखंड अचलित चलायमान नहीं होने वाला। क्या क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक, नए की चर्चा है ना, नए तो प्रतिपादक हुआ करते हैं, शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं अचलित चलायमान नहीं होने वाला अखंड, खंड खंड नहीं, नवीनाणम न चरितम, उसकी चर्चा कर रहे हैं क्या? नवीनाणम न चरितम, उस अखंड एक स्वभाव रूप, अखंड एक स्वभाव रूप भाव का प्रकाशक कौन है भाई साहब? उसका प्रकाशक बोले शुद्ध नए ही। सबसे ऊपर की एक प्रतिवर्णिका समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। क्या अब उसको प्राप्त हो गया शुद्ध नए? देखिए क्या शब्द के प्रयोग किए थे, पच्यमान अशुद्ध अवस्था के अंदर अनुभव में नहीं आता,
और यहां प्रयोजनवान है वो। पच्यमान शब्द का अर्थ क्या किया? पच्यमान माने पकते हुए, परिष्कृत होती हुई अवस्था, इसका नाम है साधक अवस्था। सिद्धांत में घटित करेंगे तो हम इसे कहेंगे पच्यमान माने साधक अवस्था। और इन्होंने नीचे उतर करके कह दिया, जो ये जानने में आता हुआ अचलित अखंड एक स्वभाव भाव का प्रकाशक, अचलित अवस्था का, अचलित चलायमान नहीं होने वाली अवस्था, अखंड खंड खंड नहीं है ऐसी अवस्था, एक स्वभाव रूप, एक स्वभाव रूप, क्या देखिए मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले चर्चा उसकी की है आपके बीच में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के संदर्भ में। तो जो द्रव्यार्थिक नए है वो द्रव्यार्थिक नए उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखना है तो कैसा दिखेगा? सामान्य अभेद नित्य एक, ऐसा दिखेगा ना। तो यही शब्द है यहाँ, शुद्ध द्रव्य, ये तो द्रव्य की अपेक्षा से बात हो गई, ठीक है। फिर अखंड, ये क्षेत्र की अपेक्षा से बात हो गई अखंड। अचलित चलायमान नहीं होता, ये काल की अपेक्षा से बात हो गई। और एक स्वभाव रूप, ये भाव की अपेक्षा से चर्चा हो गई। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु को देखते हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित करना है यहां, कैसे कैसे घटित करेंगे क्या? तो शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक, तो ये तो द्रव्य कह दिया, शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक कह करके सुशील जी लोहड़िया साहब क्या कह रहे हैं, शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक। तो एक तो शुद्ध द्रव्य यहां हो ही गया, क्षेत्र से होती है वस्तु अखंड, अखंड है भाई साहब, ये वस्तु अखंड है एक क्षेत्र से। जैसे जब कभी हम ये कहते हैं अखंड भारत, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, इसका मतलब खंड खंड नहीं हुए। क्षेत्र की दृष्टि से जब एकता होती है तो उसे अखंडता कहते हैं। और अचलित, चलित कहते हैं काल के, अरे यार चलायमान हो गया यार, ये तो इसका तो रस बदल गया, इसका तो रस बदल गया भाई साहब, ये चलित रस हो गया। नहीं नहीं अचलित, अचलित मतलब अनचेंजेबल, ये काल को सूचित करने वाला ये शब्द है अचलित, ये काल को सूचित करता है। क्या अखंड भारत कैसा था? अखंड भारत जिसे अखंड हिंदुस्तान कहेंगे, उसमें तो ये सब शामिल, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, इधर ये सब भूटान नेपाल, सब सब अखंड भारत के हिस्से। तो अखंड माने क्षेत्र की अपेक्षा से, अचलित माने काल की अपेक्षा से, चलायमान नहीं हुआ। बोले अब तो अचलित हो गया है भाई साहब, अब काल से अप्रभावित हो गया है। और एक सामान्य अभेद नित्य एक, एकपना, ये भावपन की अपेक्षा से कहा जाता है, क्योंकि भाव में ग्रहण किए जाते हैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र, इन्हें भावों में ग्रहण किया जाता है गुणों को। जैसे द्रव्य तो द्रव्य है, क्षेत्र में ग्रहण किए जाते हैं प्रदेश, काल में ग्रहण की जाती है पर्यायें, और भाव में ग्रहण किए जाते हैं गुण धर्म शक्तियां। क्या माने? द्रव्य तो वस्तु है, क्षेत्र माने होता है प्रदेश, प्रदेशों को क्षेत्र में शामिल करते हैं, पर्यायों को काल में शामिल करते हैं, और गुण धर्म शक्तियों को भावों में शामिल करते हैं। तो द्रव्य तो शुद्ध हो ही गया, अब क्षेत्र की दृष्टि से यदि बात करें तो क्षेत्र की दृष्टि से प्रदेशों की अखंडता को लिया गया, और काल की दृष्टि से जब हमने बात की तो काल की दृष्टि से लेने पर वो पर्यायों की नित्यता, अब जैसे केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो अब छद्मस्तपना नहीं होगा, माने समझ लीजिए अब अनंत सुख प्रकट हो गया तो अब नीचे नहीं उतरेंगे, है ना, परिपूर्णता प्रकट हो गई तो अब वो नीचे नहीं आएंगे। ये है अचलितपना, चलायमान नहीं होना। क्या? और जब एक रूप भाव की बात कही तो बोले आत्मा में ज्ञान भी हो चाहे दर्शन भी हो, हमें ज्ञान दर्शन नहीं दिखाई दे रहे, अलग अलग, सब एक रूप,
ऐसा भी कह सकते हैं जब अतिंद्रिय आनंद का रसास्वादन होता है तो वो अतिंद्रिय आनंद का रसास्वादन उन अनंत गुणों का अभेद अखंड एक रूप भाव होकर के अनुभव में आता है। ऐसा अनंत गुणों का एक रूप अभेद होकर के अनुभव आता है, फीलिंग ऐसी, ऐसा स्वाद आता है, वो स्वाद खंड खंड रूप नहीं है, उस स्वाद में द्वैतपना नहीं है, उस स्वाद में एक रूपपना है। क्या एक रूपपना है? बस उस स्वाद में कह रहे एक स्वभाव रूप भाव का प्रकाशक। बोले ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव को बताने वाला, ऐसा वस्तु स्वरूप को बताने वाला कौन है? क्या ऐसा प्रकाशक शुद्ध नय ही, शुद्ध नय ही सबसे ऊपर की एक, सबसे ऊपर टॉप लेवल पर आकर के एक प्रतिवर्णिका, सबसे ऊपर आकर के अंतिम लेवल पर आकर के जो एक वर्ण प्रतिवर्णिका माने जो एक अंतिम कलर दिखाई दे रहा है उस गोल्ड का। हमने कहा ना पहले ताव में गोल्ड अलग तरह का होगा, दूसरे ताव में गोल्ड अलग तरह का होगा, तीसरे ताव में गोल्ड अलग तरह का होगा, ऐसे गोल्ड अलग अलग ताव लगते लगते अलग अलग तरह का हो गया, अब 16 ताव लग गए। क्या अब इन 16 ताव के लगने के बाद गोल्ड जिस कलर में जिस वर्ण में आ गया है, क्या प्रतिवर्णिका समान अब जिस पोजिशन में आ गया है सबसे ऊपर वाली लास्ट पोजिशन उसके समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। बोले अब इसको गोल्ड को अग्नि में नहीं डालना है, अब तो फाइनल लुक है, बस ऐसा प्रतिवर्णिका समान माने उसके जैसे, प्रतिवर्णिका समान माने न प्रतिवर्णिका समान माने शुद्ध, क्या लास्ट स्टेज वाली शुद्धता का कलर, उस कलर की बात करें, वर्ण वर्ण मतलब कलर होता है ना, प्रतिवर्णिका ये फाइनल टच जब दे दिया गया है अब क्या अनुभव में आएगा भाई साहब? अब तो जब भी देखोगे वो फाइनल ही दिखेगा, अब तो जब भी देखोगे वो वैसा ही दिखेगा, अब तपाने की जरूरत नहीं है, अब किसी सहयोग की जरूरत नहीं है, अब किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है, वो तो बस जानने में आता हुआ, अब क्या हुआ जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, प्रयोजन की सिद्धि हो गई, अब ज्ञान का विषय बन गया है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, शुद्ध आत्म तत्व ज्ञान का विषय बन गया है, परिपूर्णता की प्राप्ति हो गई, अब तो वो शुद्ध नय भी और शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा भी, ये दोनों ही क्या शुद्ध नय भी, नय का विषय और नय की विषयभूत वस्तु भी, ये दोनों ही यद्यपि केवल ज्ञान में नय नहीं होते, नय तो छद्मस्त के होते हैं, नय तो श्रुत ज्ञान में होते हैं, नए केवल ज्ञान में नहीं होते क्या, लेकिन केवल ज्ञान में नए नहीं होने पर भी केवल ज्ञानियों के ज्ञान में नए झलकते हैं। अरे जब सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, भगवान के ज्ञान में सभी कुछ झलक रहा है तो क्या नए नहीं झलकते होंगे भगवान के ज्ञान में? कि झलकते हैं, तो शुद्ध नय भी झलकता है भगवान के ज्ञान में, शुद्ध नय भी झलकता है और शुद्ध नय की विषयभूत ज्ञायक भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व वो भी झलकता है भगवान के ज्ञान में। इस तरह से ये जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए पूरी करेंगे टीका को अपन, चार लाइनें और बची है, समय भी है अपने पास में अभी। परंतु ये तो कह दिया ऊपर पूर्णता को प्राप्त हो गए, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, उन्हें तो जानने में आता हुआ प्रयोजनवान कह दिया, खत्म हो गई बात। परंतु जो पुरुष, परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा से पच्यमान, उस परंपरा में ही अभी हैं, जो पुरुष अभी पाकों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान है, जो पुरुष, वो पुरुष तो उसके समान है जो अभी शुद्ध हो रहे हैं, अर्थात वे पुरुष अभी चौथे गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं, जो पुरुष, पुरुष का अर्थ पुरुष ही नहीं लगाना, पुरुष स्त्रियां सब कुछ,
आप कहेंगे साहब जो पुरुष पुरुष की बात करते हो यहां तो, अरे आत्मा की बात कर रहे हैं। पुरुष माने होता है आत्मा, क्या पुरुष माने होता है आत्मा। इसलिए पुरुष वर्ग सुन रहे हो चाहे महिलाएं सुन रही हो, कोई भी सुन रहा हो, या तो जो जीव जो चेतन आत्मा प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा, ये उदाहरण है, अनेक पाकों की परंपरा से पच्यमान, उसमें पचते हुए अशुद्ध स्वर्ण की तरह है। अभी अशुद्ध स्वर्ण है भैया, अभी तो प्रोसेस है। मुनिराज से भी पूछो तो वो कहेंगे भैया अभी तो क्या है, अभी तो दशा, अभी तो परिपूर्णता बाकी है, अभी तो पूर्णता बाकी है। ऐसा ही होता है भाई साहब, ज्यों ज्यों डुबकी लगाते जाते हैं त्यों त्यों पता लगता है हम कितने पानी में हैं, क्या हम कितने पानी में हैं, वैसे वैसे पता लगता है। तो ये कह रहे हैं अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं। इसका मतलब छठे सातवें गुणस्थानवर्ती अपनी भूमिका के अनुसार अनुभव कर रहे हैं। जितनी शुद्धता हो गई है, जितना आनंद आ गया है, उतने आनंद का अनुभव कर रहे हैं। चौथे गुणस्थान वाले के अंदर में जितना आनंद प्रकट हुआ है वो उतने का अनुभव कर रहा है। जितनी जितनी शुद्धता ज्यों ज्यों प्रकट होती चली जाती है वो मार्ग में उतनी उतनी शुद्धता का अनुभव करते रहते हैं। जो जिस भूमिका में है वो उस भूमिका का अनुभव कर रहा है। अरे होता भी ऐसा ही है, भूमिका के अनुसार ही अनुभव होता है, भूमिका के अनुसार ही विकल्प आते हैं। आप जिस भूमिका, जैसे गृहस्थ भूमिका में है तो आपको जो विकल्प आएंगे वो गृहस्थों जैसे ही आएंगे। जो जिस भूमिका में होता है उसे उसी संबंधी विकल्प आते हैं। जैसे समझ लीजिए एक गरीब व्यक्ति को जिसको शाम को भोजन की व्यवस्थाएं नहीं है, उसे विकल्प भी उसी तरह के आते हैं, भोजन का क्या होगा, भोजन का क्या होगा। एक बहुत दीनहीन दरिद्र कन्या, क्या वो दीनहीन दरिद्र कन्या बहुत फटे हाल थी और राजा साहब का आदेश आ गया इस तरह का कि हमसे शादी, हमें इससे शादी करनी है, अपने राजकुमार की इससे शादी करनी है। और अब उसके आस पड़ोस में झोंपड़ी में झोंपड़पट्टी में चारों तरफ चर्चाएं चलने लगी और हर व्यक्ति उसे ये कहता था अरे अब तो ये महलों में जाके राज करेगी, अब तो ये महलों में जाएगी, अरे अब तो इसके पास में कपड़ों की कमी नहीं होगी, अरे अब तो ऐसे जेवर पहनेगी, अरे अब तो डायमंड सेट पहनेगी, अब तो ये होगा, अब तो वो होगा, अरे अब तो नौकर चाकर दास दासी इसकी खूब सेवा करेंगे। खूब बातें इस तरह की चलती थी और वो जो बालिका थी वो देख देख करके दुखी होती रहती थी, रोटी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या पता, रोटी की तो कोई बात ही नहीं करता है, मैं सोने से थोड़ी ना पेट भरेगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, पता नहीं वहाँ जा करके रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अरे तू जिस भूमिका में है तुझे विकल्प रोटी के ही आ रहे हैं, तुझे तुझे ये विकल्प, अरे जिस जगह पर ये सारी व्यवस्था, क्योंकि भाई कौन कहेगा, आस पड़ोस वाले ये बात करेंगे कि तुझे रोटी भी मिलेगी वहाँ जा करके। भीख मांगने वाली कन्या, गरीब की कन्या, ईमानदार ईमानदार सज्जन सच्चरित्र होने के कारण राजा साहब ने नक्की किया कि इसके साथ में विवाह करेंगे। अब बतलाइए, अब उसे तो ये लग रहा है, उसकी तो फीलिंग में यही आ रहा है, कोई रोटियों की बात ही नहीं करता है, पता नहीं मैं वहां जहां जाऊंगी मेरे को शाम को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, रोटी खाने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको उसके दिमाग से ऊपर बात चलती नहीं है। जो जिस लेवल का होता है वो अपने ही लेवल के आधार पर विचार करता है, उसका विचार उसका चिंतन उसकी सोच उसी लेवल जैसी होती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ये बहुत अनुभव की बातें हैं भाई साहब। इसलिए कह रहे हैं कि अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं कौन, जो उस मध्यम भाव में है, जो अनुत्कृष्ट भाव में है वे उसी का अनुभव करते हैं। उन्हें अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता है, कैसे होगा। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती सिद्धों जैसा अनुभव कैसे करेंगे, हाँ सुख तो उन जैसा होगा लेकिन सिद्धों जैसी अनुभूति नहीं हो सकती है। चौथे गुणस्थानवर्ती को छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जैसी अनुभूति नहीं हो सकती है, वो अनुभव नहीं करते हैं, नहीं होता है। इसलिए इसलिए
उन्हें अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक। अब ये देखो, अभी चूंकि उन्होंने उन्हें उत्कृष्ट भाव की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्हें उत्कृष्ट तत्व की उपलब्धि नहीं हुई, क्या बोलो? सही बात है, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का अनुभव कैसे होगा? जो जिस लेवल पर है उससे अपने उत्कृष्ट अवस्था का अनुभव कैसे होगा? इसलिए उन्हें अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप, भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप, अनेक भावों का प्रकाशक, व्यवहार नए विचित्र, अनेक वर्णमालाओं के समान, अनेक वर्णमालाओं के समान होने से जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है, क्या जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। अरे भैया, ये कह रहे हैं उस भूमिका में विचित्र अनेक वर्णमालाओं के समान अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार की स्थितियां, अणुव्रत धारण करने का भाव, महाव्रत अंगीकार करने का भाव, व्रतशील संयम आदि का भाव, ये सब आते हैं, ये सब आते हैं। लेकिन ये सब आते हुए कह रहे हैं जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, इसका मतलब होते हैं, करने योग्य नहीं मानता है। ओहो, क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये शब्दावली बड़ी गजब की है। ये अमृत चंद्राचार्य देव यहां ये कह रहे हैं भूमिकानुसार, भूमिका के अनुसार जिस स्टेप पर हैं आप, उस स्टेप के अनुसार एक एक स्टेप चलते हुए अपनी अपनी भूमिका के अनुसार वो जिस जगह पर हैं उस जगह पर उस तरह के भाव आते हैं। अणुव्रत के भाव आ रहे हैं साहब, अणुव्रत लेने के भाव आ रहे हैं, आते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अणुव्रत लेना चाहिए? मैं अणुव्रत ले लूं, अणुव्रतों में अटक जाऊं, उसके भाव अच्छे भाव हैं? ऐसा कदापि नहीं होता। आइए जैन साहब, जाने नो प्रयोजनवान छे, क्या जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, कोई बात नहीं। छठे सातवें गुणस्थान में है, भूमिका अनुसार आहार का विकल्प आ गया, उसे भी जान लेते हैं। समितियां पालन करने का विकल्प आ गया, उसे भी जान लेते हैं, क्या गुप्ती पालन करने का भाव आया, उसे भी जान लेते हैं। बारह भावनाओं के परिणाम चल रहे हैं, उसे भी जान लेते हैं, क्या करने का भाव नहीं है भाई साहब, क्या करने का भाव नहीं है, क्या क्यों? क्योंकि जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है, उसका प्रयोजन सिर्फ इतना सा मात्र समझना, जानने में आ गया बस इतना सा। क्योंकि तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी ही व्यवस्था है। अरे गजब वाक्य है भाई साहब, लेकिन यदि इस वाक्य का मर्म समझना है, एकमात्र गाथा, क्या एकमात्र गाथा यहां ये कह रहे हैं, ये बीच में टीका के अंदर प्रस्तुत की गई है, कल करेंगे इसकी चर्चा आप लोगों के बीच में, इसके मर्म की चर्चा करेंगे। और ये जो वाक्य पढ़ा है, तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी व्यवस्था है, अरे किसे कहते हैं तीर्थ और किसे कहते हैं तीर्थ फल, तीर्थ क्या होता है और तीर्थ फल क्या होता है, जरा ये बतलाइए। ये बड़ी गजब की बातें हैं भाई साहब। एक प्रश्न सामने मुझे दिखाई दिया कि क्या शूद्र चांडाल आदि अणुव्रत ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन पंचम गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते। इसके लिए आप देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 146, 146 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का क्षुद्र मुक्ति निषेध प्रकरण वहां दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है पंचम गुणस्थान तक तो हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं हो सकते। उनकी भूमिका ही इस तरह की है, क्या पंचम गुणस्थान तक की प्राप्ति उन्हें हो सकती है, इससे ऊपर जाने का उन्हें भाव ही नहीं आएगा, परिणाम ही नहीं आएगा। ऐसी स्थिति है, सम्यक दर्शन तो ले ही सकते हैं, लेकिन तीर्थ और तीर्थ फल की इस व्यवस्था के संदर्भ में जिनमत में यदि प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों में से एक को भी मत छोड़ो। ये मार्मिक चर्चा कल अमृत चंद्राचार्य देव के शब्दों में आने वाली है, विषय को कल ही आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। दोपहर की सभा में 2:30 बजे जो चर्चा चल रही है वो चलेगी ही, 3:30 बजे विशिष्ट प्रवचन के रूप में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के साथ साथ गुणार्थिक नए क्यों नहीं है,
इस तरह के कुछ प्रश्नोत्तर उठाते हुए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की विशेष चर्चा ठीक 3:30 बजे लाइव करेंगे। रात्रि 8 बजे और 10 बजे जैसा यथावत चलता है वो चलेगा ही। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो वाणी मुखार नमो हरिहंता नमो सत्य।